नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में। और काव्य कुंभ है, कुंभ का माहौल पूरे देश में है। और ये माहौल जो है, ये तो काव्य कुंभ आप देख रहे हो कि जिस तरह से माहौल बना है, उसमें वीर रस भी है, हास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है, तो एक साहित्यिक कार्यक्रम, कला का संगम है। सामना के 26 साल पूरे हुए हैं हिंदी सामना के, तो अच्छा माहौल बना है। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेरित हुए देश भावना से, वो था ये काव्य सम्मेलन। क्या ये सामना के 26वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग ने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें राजस्थानी संस्था भी शामिल थी और हमारा ऑल इंडिया सिक्योरिटी कामगार यूनियन उसमें से थे, और हमारे ऑल इंडिया सिक्योरिटी कामगार यूनियन जो शिवसेना से संलग्न के सारे कार्यकर्ता उमंग के साथ यहाँ पे शामिल हुए और जोश के साथ शामिल हुए। और केवल ये जो दुर्घटनाएं हुई, जो हमारे पुलवामा में लोग शहीद हुए, तो उमंग वहाँ पे थोड़ा सा एक गम में तब्दील हो गया है और हम लोग उस तरीके से कार्यक्रम नहीं कर पाए जो हमारी चेष्टा थी। और हाल ही में जो गठबंधन हुआ है भाजपा और शिवसेना का, क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा प्रेरणादायक होकर आगे चल के दोनों मिलकर किस तरह से शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटे ही नहीं था। एक केवल ये थी गठबंधन है और सरकार चल रही है, गठबंधन कहाँ टूटा है। जो अभी नया गठबंधन हुआ, सरकार चल रही है, शिवसेना की सत्ता है बीजेपी के साथ, यहाँ पे भी है, स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। तो इस बार क्या शिवसेना से कोई मुख्यमंत्री बनने का दावेदार नजर आ रहा है? नहीं, कुछ सीटों के ऊपर तकरार था, वो पूरा हो गया है अभी। सर, आपसे अंतिम आप क्या कहते हैं बाबू सिंह के बारे में, इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में? बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम था, लोग हंस के रुक नहीं पा रहे थे, बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम था। और पुलवामा पे जो अटैक हुआ, सर आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, कितना निंदनीय है पाकिस्तान, ये पहली बार घटना नहीं हुई, पहले भी हो चुकी है,
ये देखिए, ये कायराना हरकत पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा है, जब से देश का बंटवारा हुआ है तब से लगातार चालू है, और अभी ज़रूरत आ गई है कि देश को इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, देश की सरकार को, और देश की शायद सरकार साक्ष्य में मोदी सरकार, और इसका खमियाजा है ना पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, और आज पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मोदी जी ने काफी कड़े कदम भी उठाए इस चीज को लेकर कि पाकिस्तान को बहुत सारी सुविधा ना मिले। मैंने कहा ना, जिस तरीके से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीना गया है, तो वहाँ पे महंगाई हो गई है, वहाँ की पब्लिक परेशान है, वहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है, और अभी पानी भी बंद कर दिया गया है, तो जो कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और शायद हो सकता है इससे भी कड़े कदम उठाए भारत सरकार। हम कड़ी निंदा करते हैं, जो भी घटना हुई बड़ी दुखद है, और हम सब देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। नहीं, 26 साल पूरा होने पर दोपहर का जो सामना है, हमारे माननीय बाला साहब ने जो इतनी मेहनत की और उन्होंने इतना मतलब इन चीज़ों को आगे लाने में जो उन्होंने इतने मुशक्कत वगैरह की, आज उसको इतना 26 साल पूरा होने पर बहुत खुशी हुई हम सबको। माननीय हमारे जो संजय राउत साहब हैं वो भी आए थे प्रोग्राम में, बहुत सक्सेस रहा, काफ़ी लोग आए हुए थे, और उसी तरीके से उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और हम लोगों को भी ये कहा कि खूब मेहनत करो, इस तरीके से बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। एक पत्रकारिता निकलती है वो देश भर में मुंबई से लेके हिमाचल तक इसका प्रकाशन होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों का देशभक्ति की लौ जगती रहे।